बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मंडे 19th of April 2021। एज़ यू हैड हर्ड माई अर्लियर लेक्चर टुडे, यू केम टू नो दैट वी आर टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट डिक्शनरी। एंड आप सबको डिक्शनरी देखना कैसा लगता है? मुझे तो डिक्शनरी देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, या कोई भी नई चीज़ देखते हैं, या इवन हम स्कूल की बुक्स ही देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स हमें नहीं पता होते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके मीनिंग्स को सर्च आउट करें। तो ज़्यादातर तो मीनिंग हमें टीचर्स बता देती हैं स्कूल में, और कुछ में बड़े बता देते हैं। अगर कभी बड़े पास नहीं हो तो हमें चाहिए कि हम खुद से कोशिश करें, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो कोशिश करें। आजकल तो मोबाइल्स में डिक्शनरीज हैं, यू कैन सर्च मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरीज इन मोबाइल्स टू। एंड इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस इन योर मोबाइल, यू कैन सर्च मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। अब आप डिक्शनरी में से भी अपने मीनिंग्स को सर्च आउट कर सकते हैं। सो डिक्शनरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमें नई दुनिया में ले जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल जाते हैं। And here I have few words for you to tell you how to see dictionary. ठीक है, orbit, orca, orchard, orchestra, ये four words हैं। इनमें four words में आपको एक चीज़ similar नज़र आ रही होगी। एक तो first word, first letter O, then second letter, very good, R, orbit में भी आ रहा है, orca में भी, orchard में भी, और orchestra में भी, fine। द थर्ड लेटर जो है वो सारे के सारों में तो नहीं, लेकिन दो में चेंज है। फर्स्ट में बी है, सेकंड में सी, और थर्ड और फोर्थ में भी सेम है, फाइन। अब इन सब के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ऐसे ही है ना कि हर वर्ड का मीनिंग तो डिफरेंट ही होता है। जैसे हमने बैट में देखा, ब एट बैट था, तो उसको हमने सर्च किया ब में, फिर उसके बाद बी में, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगला लेटर क्या है, ए था, तो उसके बाद हमने उसको देखा कि लास्ट वर्ड क्या है, टी। पर जब हमें बी और ए एक साथ मिल गए, तो फिर हमने टी की सर्च शुरू कर दी, लास्ट लेटर की। जब हमें वो भी नज़र आ गया, तो हमने उसका उर्दू का मीनिंग देखा। वो एक होगा कि बल्ला, जिसको हम खेलते हैं, जिसके साथ बैट बॉल, और दूसरा होगा चमगादड़, बैट। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये आपको क्या लगती हैं? वर्ब, वर्ब इज़ एक्शन वर्ब, तो क्या ये आपको वर्ब लगती हैं या नाउन लगती हैं, कोई नेम लगता है? मेरा तो ख्याल है दीज आर वर्ब, सॉरी दीज आर नाउन, मुझे तो ये नाउन लगती हैं। अब इसी तरह से ऑर्बिट, ऑर्का और ऑर्केस्ट्रा है, ये तीन चार वर्ड्स हैं। अब हमने इनको ओ आर ओ में देखना है, फिर हम आर को तो हमने देखा ही होगा, ये बिल्कुल ऑर्डर में है। अब हम इनके ओ आर में जाएंगे, फिर हम बी में देखेंगे तो ऑर्बिट में ऑर्बिट का मीनिंग मिल जाएगा, फिर हम सी में जाएंगे तो ऑर्का का मीनिंग मिल जाएगा, देन हम ऑर्चर्ड में जाएं तो हमें ऑर्चर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, फिर ऑर्केस्ट्रा में जाएं तो ऑर्केस्ट्रा का हमें मीनिंग वहां पर मिल जाएगा, फाइन। आफ्टर दैट ये हमने ये देख लिया। ओके, इफ यू विल ओपन योर डिक्शनरी एंड टेक आउट पेज नंबर 397, यू कैन सी ओ आर लेटर ओवर हेयर। आपको यहाँ पर ओ आर के लेटर्स नज़र आ जाएंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे आए, 1, 2, 3 एंड आई थिंक फोर्थ नंबर पे आपको ऑर्बिट नज़र आ जाएगा। आपने ये काम मेरे साथ साथ करना है ताकि आपको समझ में आ जाए ऑर्बिट। अब इसने आपको ब्रैकेट में इसका प्रोनाउंसिएशन पहले बताते हैं कोई भी वर्ड का, फिर उसके आगे बताते हैं। छोटा सा एक एन नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये नाउन है, ऑर्बिट नाउन है। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द रिवॉल्विंग प्लैनेट, गर्दिश का रास्ता, हल्का महवर, ये इसका मीनिंग है। अब अगर हम अगला वर्ड ही हम देखें तो ओकरा, ओरका तो नहीं है हमारे पास, ऑर्चर्ड है। अब हम उसको देखते हैं, उसका पहले उसने प्रोनाउंसिएशन बता दिया है। देन अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, और ये आपको उसने बताया है, स्मॉल सा एन भी साथ में लिखा हुआ, उसके ऊपर डॉट भी लगा हुआ है आगे, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? नाउन है। अगर यहाँ पर वी होता तो फिर इसका क्या मतलब होता? ये है वर्ब। और अगर कोई चीज़ एडजेक्टिव हो, मतलब किसी चीज़ की खूबी या खामी बताई गई हो, तो उसको उसके आगे ए डी जे और डॉट लगा हुआ होता है, ठीक है,
ये बातें आपने याद रखनी है, एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर होमवर्क टू, आपको ये होमवर्क में भी लिखना है, ठीक है जी। अब अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, मेवाओं का बाग, यानी कि समरुस्तान, इसका मीनिंग उर्दू में लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। अब आपको डिक्शनरी देखनी आ गई है, होपफुली फाइन। आफ्टर दैट यू इट्स योर होमवर्क, लेट्स सी व्हाट्स योर होमवर्क, सर्च दीज वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, राइट देयर मीनिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश ऑल्सो, राइट दैट वर्ड इज नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब। अब कॉपी नंबर टू पे ही आपने काम करना है, और ये वर्ड्स हैं ऑटम, कॉटेज, इक्वली, हैस्पर, जंबल, ये फाइव वर्ड्स हैं, एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर मीनिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश एज वेल। ऑल्सो राइट स्मॉल सा, जैसे डिक्शनरी में मैंने आपको बताया है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज, सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।